हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज हम इस तरह के फ्लावर बनाना सीखेंगे। इस तरह के फ्लावर को आप कान्हा जी की पोशाक में, अपने बच्चों के जैकेट स्वेटर में, अपने कार्डिगन में अप्लाई कर सकते हो। बनके बहुत ही प्रिटी लगते हैं। देखिए, इस तरह के फ्लावर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये ब्लू धागा लिया है। और देखिए, हमने इस तरह से धागे को ऐसे लेंगे। देखिए, ऐसे होल बनाना है। और देखिए, वन और टू, टू हम चैन बनाएंगे यहाँ पे, और थ्री, सॉरी, देखिए हमें यहाँ पे थ्री चैन बनानी है। और देखिए, इसी होल में से हमें यहाँ पे टेन डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए, वन टू थ्री फोर फाइव। देखिए, हमने यहाँ पे टेन डबल क्रोशिया बना लिए। अब धागे को देखिए, हम इस धागे को ऐसे खींचेंगे, ऐसे। और देखिए, यहाँ पे वन और टू और थ्री, थ्री की चैन में से हमें इसको ऐसे जॉइंट करना है, ऐसे। और इस धागे को हमें यहाँ से कट करना है। धागे को हमें खींच के रखना है और दोनों की हम यहाँ पे नोट लगा देंगे। ऐसे। और देखिए, फिर इनको एक्स्ट्रा थर्ड को हम कट कर देंगे, कुछ इस तरीके से बनाएंगे। अब देखिए, हम यहाँ पे दूसरा कलर लगाएंगे इस तरह की लीफ बनाने के लिए। देखिए, मैंने धागे में नोट लगा ली है, ऐसे फंदा बना लिया है। और देखिए, हमें एक चैन में से इसको ऐसे देखिए, ऐसे थ्री चैन बनाएंगे। और देखिए, इसी चैन में से हमें यहाँ पे ऐसे वन और टू, हम थ्री की चैन को भी काउंट करेंगे, वन और टू थ्री फोर और देखिए फाइव, फाइव डबल क्रोशिया बनाएंगे। और देखिए, इसी चैन में से हम इसको ऐसे निकालेंगे। अब देखिए, हमें यहाँ पे एक चैन को स्किप करके नेक्स्ट चैन में से दूसरी लीफ बनानी है, ऐसे वन टू और थ्री चैन बनाएंगे। और देखिए, ऐसे वन टू थ्री फोर और देखिए फाइव, फाइव चैन बनाने के बाद इसी चैन में से हमें ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर हम एक चैन को स्किप करके नेक्स्ट चैन में से बनाएंगे। देखिए, हमने यहाँ पे टेन डबल क्रोशिया बनाए थे, हमारी टेन चैन है। एक एक चैन को हम यहाँ पे स्किप करेंगे और हमारी यहाँ पे फाइव लीफ बन के तैयार हो जाती है। देखिए, ऐसे फाइव डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन और टू थ्री फोर और देखिए फाइव। अब हमें इसी चैन में से इसको यहाँ पे ऐसे जॉइंट करना, फिर एक चैन को स्किप करेंगे और इसे नेक्स्ट चैन में से हमें इसको बनाना है। देखिए, ऐसे वन टू और थ्री। देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हमारा ये फ्लावर बन जाता है। और देखिए, इसको भी हम ऐसे सिंगल क्रोशिया बना के यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। देखिए, इसी तरीके से हमने ये फ्लावर बनाए हैं। ऐसे ही हम सभी फ्लावर को बना लेंगे। धागे को हम यहाँ पे अंदर एडजस्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम कान्हा जी की पोशाक में फ्लावर बना के लगा देंगे। अगर आपको इस पोशाक को बनाना सीखना है तो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से बना सकते हो इसको देख के।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। राधे राधे।